सात घोड़ों के रथ पे सवार सूर्य देव आए आपके द्वार, सूर्य की किरणें हमेशा रहें आपके घर द्वार, बहुत मुबारक हो आपको ये छठी का त्यौहार। जय जगन्नाथ। नमस्कार, मैं टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, रेकी हीलर शालू शर्मा। छठ एक बहुत महत्वपूर्ण पूजा है और बहुत सारे राज्यों में ये मनाई जाती है। हालांकि साल में दो बार आती है, लेकिन कार्तिक में, शुक्ल पक्ष में जब भी ये पड़ती है तो ये बहुत अच्छा त्यौहार माना जाता है। षष्ठी मैया की इसमें पूजा की जाती है। षष्ठी मैया माँ पार्वती का छठा रूप और सूर्य की बहन है, तो सूर्य का पूजन तो वैसे ही भाग्य उदय के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। करण देखिए, करण सूर्य के ही पुत्र थे और ऐसा माना जाता था कि करण हमेशा पानी में खड़े रहकर, घंटों खड़े रहकर अपने पिता से बात करते थे। तो ये बात भी आपने ज़रूर सुनी होगी, नहीं सुनी है तो मैं आपको बताती हूँ कि जब करण का वध किया गया था तो कहा जाता है कि सूर्य भगवान भी रो पड़े थे। तो सोचिए कितना इनका महत्व है हमारी ज़िंदगी में, और ये बिल्कुल हमारे ग्रहों में भी सूर्य पिता समान है। षष्ठी संतान के लिए व्रत किया जाता है, जो छठ पूजा है संतान के लिए किया जाता है। दंत कथा है या पुराणों में कही गई कथा ये है कि प्रियव्रत, एक राजा जिसको संतान प्राप्ति नहीं होती थी, ऋषि कश्यप ने उससे पहले पुत्र यष्टि का यज्ञ कराया और उसको गुड़ की खीर खाने को दी, जो हम षष्ठी में प्रसाद देते हैं। जैसे ही उसको पुत्र प्राप्त हुआ, लेकिन वो मृत था, सबके लिए बहुत उदासी का कारण बना एक मृत बालक का पैदा होना, क्योंकि वो राज्य संभालने के लिए राजकुमार देख रहे थे। तो ऋषि कश्यप ने ही इस दिन बोला कि आप, माँ षष्ठी उनके पास आई, उन्होंने बोला कि आप मेरी पूजा कीजिए, माँ षष्ठी नवरात्रों की कात्यायनी का रूप है, ये मानस पुत्री कही जाती है ब्रह्मा की। मानस पुत्री का मतलब है जब आपके शारीरिक संबंध नहीं बनते हैं, मन से मन का मिलन, तरंगों से तरंगों का मिलन, और किस तरह से सोचिए कितनी पवित्र देवी हैं ये, इनका आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है। चार दिन ये त्यौहार चलता है जिसमें नहाए खाए, खरना, उगते सूरज की पूजा, पहले पश्चिम में डूबते सूरज की पूजा, नेक्स्ट डे उगते सूरज की पूजा। अब ये समझिए सूरज उगता है या डूबता है, सूर्य सूर्य ही रहेगा, क्योंकि सूर्य भगवान है। तो भगवान का पूजन किसी भी दिन किया जाए बुरा नहीं होता है। षष्ठी वाले दिन वैज्ञानिक कारण, अगर हम साइंटिफिक रीज़न देखें तो यूवी रेज आर वेरी क्लोज, बहुत क्लोज होती हैं धरती के, तो पानी में खड़े होकर इसका पूजन होता है। सन बाथ, जिसको हम सन बाथ बोलते हैं, ये आपका मेंटल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है, बैलेंस के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें परिवार के बेटे का और परिवार के मेल मेंबर का रहना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पूजा की जो टोकरी है जो बांस की बनी है उसमें केले हैं, ठेकुआ है, पूरा प्रसाद है, वो अपने सिर पर उठा के लेता है और बोलता है माँ मैं तेरी सेवा के लिए आया हूँ, या अपनी बीवी के लिए भी, घर के मेल मेंबर्स। छठ पूजा के नियम में 36 घंटे का व्रत होता है, तो 36 घंटे के व्रत में ज़रूरी नहीं है कि दिस इज़ फॉर फीमेल्स, इसको कोई भी, इसमें लिंग का भेदभाव नहीं है, इसको मेल मेंबर्स भी कर सकते हैं। और आप, जब कौरव अपना राज्य हार चुके थे तो द्रौपदी ने षष्ठी माँ की पूजा की थी और अपना पूरा राज्य प्राप्त किया था। आप सोचिए हर त्यौहार के साथ कितनी कहानियाँ हमारी जुड़ी हैं कि हमें बहाना चाहिए पूजा करने का। और ये जैसे ग्रह हैं, खगोलीय घटना, अगर वैज्ञानिक तरीके से देखें तो खगोलीय घटनाएं हैं, लेकिन किस तरह हमारी मदद करती हैं, किस तरह हम, एक नदी को पूजा जाता है, एक सूर्य जो प्रत्यक्ष देवता है, सूर्य और चंद्रमा प्रत्यक्ष देवता है जिनको हम देख सकते हैं। तो षष्ठी माँ का दिन बहुत पवित्र दिन है, इसमें आप धर्म, भेदभाव, जाति, लिंग, किसी चीज़ का ध्यान नहीं रखा जाता है। और ज़रूरी नहीं है कि अगर हम बिहार के नहीं हैं तो ऐसा नहीं है कि हम इसकी पूजा ना करें, सूर्य देव का पूजन है, बहुत मन लगा के पूजा कीजिए, अपनी मनोकामना सूर्य देव के आगे रखिए, वो एक प्रत्यक्ष भगवान आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी करेंगे। आशा करती हूँ आपका घर सुख समृद्धि धन धान्य से भरा रहे और षष्ठी माँ का आशीर्वाद आप पर बना रहे। खुश रहिए। जय जगन्नाथ।